जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आप सबको स्वागत करता हूँ नॉर्थ ईस्ट साइकिल टूर के 36वें दिन पे। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा, हम पहुंच चुके थे नागालैंड का जो कैपिटल सिटी है कोहिमा में। और ये रहा गाइस कोहिमा सिटी, यार काफी बड़ा सिटी है। और देखो हमारे होटल के ऊपर से ना क्या मस्त नजारा देखने को मिल रहा है भाई। पहाड़ों में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, यार दूर दूर तक सिर्फ आप लोगों को बिल्डिंग बिल्डिंग दिखाई देने को मिलेगा। और ये है मेन हाईवे। रात को हमने अपना अपना साइकिल यहाँ पे पार्क करके रखा था, क्योंकि यहाँ पे ना होटल में पार्किंग नहीं है, तो काफ़ी सही जगह मिला पार्क करने के लिए, ठीक ठाक है। चारों साइकिल एक साथ हमने लॉक कर दिया। और ये भाई जो है, भाई हमें मिले थे तेजू के पास, और भाई यार ऑल इंडिया यात्रा कर रहे हैं अपना डोमिनर लेके। और भाई का जो बाइक का नाम है वो है पीकू। और भाई भी कहाँ के लिए निकल रहे हो? आज इम्फाल का प्लान है। इम्फाल, फिर वहाँ से इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है ना, मोरे बॉर्डर। ओके, मोरे निकल जाएंगे, वहाँ से शिलोंग। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोहिमा वार सिमेट्री। मैम ये वार सिमेट्री का गेट है ये? ओके थैंक यू। बेसिकली ये वॉर सिमेट्री है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक घायल हुए थे, जो मरे थे, तो उनका जो कवर है इसी के अंदर दफनाया गया है। अंदर आते आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा बोर्ड में कोहिमा वॉर सिमेट्री, और यहाँ पे कब क्या हुआ था वो भी लिखा हुआ है। देखो आप लोग यहाँ पे ऊपर से शुरू होता है जो कवर है जवानों का, एकदम नीचे तक है। फिलहाल तो मैं बीच में हूँ, और जो जो जवान शहीद हुए ना उनका नाम डिटेल्स ए टू जेड ये सब कवर में लिखा हुआ है। और इधर एक दो कवर नहीं है, हजारों कवर है भाई, एकदम वो जो ऊपर आप लोग देख रहे हो ना ऊपर से एकदम नीचे तक है। यहाँ से ना कोहिमा सिटी काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। और देखो यार पहाड़ों के ऊपर इतने सारे घर, यहाँ पे ना हजारों घर दिखाई दे रहे हैं। तो भाई कोहिमा वार सीमेंट्री से हम निकल के आ चुके हैं। तो अभी कुछ खाने के लिए जा रहा है, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, सिवाय गाइस सुबह एक कप चाय पिया था वही। और अभी देखो ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है। और बता रहा हूँ ना, ऐसे ना वॉक करके एक मज़ा अलग आ रहा है यार। यहाँ के जो लोग है देख के हमें हंसते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो इधर मछली के मार्केट लगा हुआ है, देखो इधर गुड़ के लड्डू वगैरह भी है। इधर किनारे में सब्जी मार्केट भी लगा हुआ है। तो हम ना अभी खाने के लिए रोटी ढूंढ रहे हैं कौन से होटल में मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे तो होटल दिख नहीं रहा है रोटी मिलने वाला। एक भाई से हमने पूछा था तो उन्होंने बोला आगे मिलने का चांसेस है। तो हमें रोटी तो मिला नहीं, एक रेस्टोरेंट पे मुश्किल से मुश्किल बहुत ढूंढने के बाद पूड़ी मिला। तो ये है रेस्टोरेंट। तो इधर देखो पूड़ी आ चुका है, 2 पूड़ी 40 रुपया, और इधर साथ में सब्जी। तो यार बहुत ज़ोर से भूख लगी है, पहले पूड़ी खाते हैं उसके बाद यार आप लोगों से बात करूँगा। तो यार पूड़ी खा के अभी निकल चुका हूँ, मन को सुकून मिल रहा है भाई। सुबह सिर्फ एक कप चाय पिया था और अभी 3 बजने वाला है, देखो अभी तक बिना खा के कटाया दिन। तो देखो हमने कितने सारे नमकीन और मीठे ले लिए रात को खाने के लिए, क्योंकि रात को हम लोग आज सोच रहे हैं मैगी नहीं बनाएंगे, आज हम लोग इसी से काम चला लेंगे। ये सिर्फ मेरा नहीं है, हम चारों का है। मैं तो सिर्फ 20 रुपये का जो बूंदे भुजिया है वो मिक्स करके ले लिया हूँ, और भाई लोगों ने यहाँ पे नमकीन वगैरह भुजिया वगैरह सब लिया है। तो अभी रात होने वाला है, तो आप लोगों को हमने दिखा दिया कोहिमा का जो डे लाइफ कैसा है। अभी सीधा मिलता है आप लोगों से नाइट को कोहिमा का नाइट लाइफ में, लेट्स गो। तो भाई स्वागत है आप लोगों को नागालैंड के नाइट सीरीज में। तो फिलहाल अभी रात हो चुका है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे फूड ट्रक है, जहाँ पे कि ना मोमोज वगैरह चिकन चौ सब मिलते हैं। तो देखो ये रहा एक, और ये रहा आगे एक,
और वो आगे में भी बहुत सारे ठेले हैं जो कि गर्ल्स लेके बैठे हैं, वहाँ पे मोमोज वगैरह सब मिलता है। तो भाई हमने ले ली है चना जो कि हम लोग अभी बैठ के खाने वाला है। तो देखो ये है चना जो कि हमारा इंडो नोमैडिक भाई ने लिया। और क्या हुआ अबे क्या हुआ, और कितने में लिया है चना, कितने का है, क्या हुआ, और 10 रुपए का है, ठीक ठाक है 10 रुपए का ये चना है। तो अभी हम लोग यहीं पे बैठ के खाएंगे सड़क के किनारे ही। तो भाई पहुंच चुका हूँ रूम और यार करते हैं आज का व्लॉग को भी एंड। बाय द वे आप लोगों को तो मैं रूम दिखाना भूल ही गया। तो ये है अपना रूम जो कि सिंगल बेड है, 400 रुपए चार्ज पर हम चारों यहीं पे कुछ भी करके रह जाते हैं। इधर देखो फिलहाल तो हमारा जो सामान वगैरह है पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, इधर एक सो जाता है और हम तीनों नीचे सो जाते हैं, इधर मैट वगैरह सब बिछाया हुआ है। तो आज का व्लॉग को भी यही पहन करते हैं, मिलते हैं अगले से एक मस्त एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग खाते पीते बने रहना। जय हिंद जय भारत।